वेलकम टू माई क्लास चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है 3x² - 5x + 7 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी ये है हमारे पास, वो लिख लेते हैं 3x² - 5x + 7 = 0। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखते हैं देन सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। बिकॉज हम लोगों ने क्या कहा, हमारे पास अल्फ़ा है और जो बीटा है वो रूट्स है इक्वेशन के। तो हम लोगों ने जो सम ऑफ रूट्स में क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना है। और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए। अब इस इक्वेशन में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो ए हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वेयर वाली जो टर्म होती है उसके साथ जो हमारे पास यहाँ पर नंबर है, तो वो हमारे पास क्या, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू है। ओके, एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 3 है। तो जो 3 है वो ए इक्वल्स टू 3 होगा, और जो है बी किसके इक्वल हो जाएगा, जो एक्स हमारे पास एक्स टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो है 5 - 5। तो हमारे पास बी इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, और सी हमारे पास किसके इक्वल है, 7 के, जो कांस्टेंट टर्म है उसके। तो मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है वो अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल होता है, -b/a। अब क्या है हमारे पास माइनस, तो ये हमारे पास फॉर्मूले का आ गया माइनस। बी हमारे पास क्या वैल्यू है, वो है हमारे पास -5। तो हम -5 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, वो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज़ यहाँ पर माइनस है, तो ये वाला ये माइनस है, और ये माइनस कहाँ से आया, वो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है उसका माइनस है, इसलिए हमने जो है इसको ब्रैकेट में लिख लिया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ए है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है, वो लिख लेंगे। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। हमने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाना बिकॉज ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। डिनोमिनेटर में 3 का 3 एज इट आ गया। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ गया इस इक्वेशन का, 5/3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, अल्फ़ा डॉट बीटा। ओके, सम में क्या है, साइन प्लस का आ गया, और प्रोडक्ट में क्या है, इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, तो हमने इनके सेंटर में कोई साइन नहीं लगाया, तो इसका यही मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट्स -b/a के इक्वल है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, c/a के। इसी तरह हम इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे, सी की वैल्यू हमारे पास है 7, तो हम यहाँ पर 7 पुट कर देते हैं। ए किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं, और ये जो है आंसर आ गया हमारे पास, सम ऑफ रूट्स 5/3 के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 7/3 के इक्वल है। होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और भी वीडियोज़ मैं इस पर जो है बनाऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।